नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 1 अप्रैल 2018 की सारी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने किस महान शहीद स्वतंत्रता नायक के केस से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक करने की घोषणा की? पहला ऑप्शन से आपका लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन से आपका सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन से आपका चंद्रशेखर आज़ाद और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों भगत सिंह। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका डी, भगत सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के 60 राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया? पहला ऑप्शन से आपका इराक, दूसरा ऑप्शन से आपका मिस्र, तीसरा ऑप्शन से आपका सऊदी अरब और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका रूस। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका डी, रूस। हाल ही में रूस देश ने अमेरिका के 60 राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुजुकी ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारतीय बाजार में एक दूसरे के वाहन बेचने का निर्णय लिया? पहला ऑप्शन से आपका टोयोटा, दूसरा ऑप्शन से आपका मारुति, तीसरा ऑप्शन से आपका टाटा मोटर्स और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका फॉक्सवेगन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका ए, टोयोटा। हाल ही में सुजुकी कंपनी ने टोयोटा कंपनी के साथ मिलकर भारतीय बाजार में एक दूसरे के वाहन बेचने का निर्णय लिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस प्रकार के अधिकारियों को पासपोर्ट जारी ना किए जाने के नए दिशा निर्देश जारी किए गए? पहला ऑप्शन से आपका भ्रष्ट सिविल सेवा अधिकारी, दूसरा ऑप्शन से आपका क्रिमिनल पुलिस अधिकारी, तीसरा ऑप्शन से आपका रिश्वतखोर नेता और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका ए, भ्रष्ट सिविल सेवा अधिकारी। हाल ही में भ्रष्ट सिविल सेवा अधिकारी के अधिकारियों को पासपोर्ट जारी ना किए जाने के नए दिशा निर्देश जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। हाल ही में किस राज्य द्वारा अपने बजट में जिला सुशासन सूचकांक शुरू करने की घोषणा की गई? पहला ऑप्शन से आपका बिहार, दूसरा ऑप्शन से आपका राजस्थान, तीसरा ऑप्शन से आपका हिमाचल प्रदेश और लास्ट ऑप्शन दोस्तों दिल्ली। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका सी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा अपने बजट में जिला सुशासन सूचकांक शुरू करने की घोषणा की गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली बार किस आईआईटी संस्थान ने विदेश जाकर इंटर्नशिप करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की? पहला ऑप्शन से आपका आईआईटी दिल्ली, दूसरा ऑप्शन से आपका आईआईटी खड़गपुर, तीसरा ऑप्शन से आपका आईआईटी कानपुर और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आईआईटी बॉम्बे। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका बी, आईआईटी खड़गपुर। हाल ही में पहली बार आईआईटी खड़गपुर संस्थान ने विदेश जाकर इंटर्नशिप करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने की घोषणा की? पहला ऑप्शन से आपका 62 वर्ष, दूसरा ऑप्शन से आपका 70 वर्ष, तीसरा ऑप्शन से आपका 65 वर्ष और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 66 वर्ष। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका ए, 62 वर्ष। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्मिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को भी LTC यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन की सुविधा दी जाएगी और वे कितने साल में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकेंगे? पहला ऑप्शन से आपका 8, दूसरा ऑप्शन से आपका 7, तीसरा ऑप्शन से आपका 4 और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 5। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वह आपका सी, 4। कार्मिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को LTC लीव ट्रेवल कंसेशन की सुविधा दी जाएगी और वे 4 साल में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने संगठित अपराध से निपटने हेतु महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून मकोका की भांति ही कानून पास किया है? पहला ऑप्शन से आपका झारखंड, दूसरा ऑप्शन से आपका
पंजाब, तीसरा ऑप्शन से आपका कर्नाटक और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के संगठित अपराध से निपटने हेतु महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून की भांति ही कानून पास किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र बलों के सैन्य कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं हेतु वीरता पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन से आपका राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन से आपका उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन से आपका राज्यपाल और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका ए राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने विधायकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए हाल ही में एक बिल पारित किया? पहला ऑप्शन से आपका बिहार, दूसरा ऑप्शन से आपका झारखंड, तीसरा ऑप्शन से आपका गोवा और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों केरल। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका डी केरल। केरल राज्य की विधानसभा ने विधायकों के वेतनों में वृद्धि करने के लिए हाल ही में एक बिल पास किया। और दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री हाल ही में कौन है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस हेड कोच ने 29 मार्च 2018 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? पहला ऑप्शन से आपका डेरेन लेहमन, दूसरा ऑप्शन से आपका स्टीव स्मिथ, तीसरा ऑप्शन से आपका मिकी आर्थर और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका डेरेन लेहमन। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के डेरेन लेहमन हेड कोच ने 29 मार्च 2018 को अपने पद से इस्तीफा लेने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।